और मजहबीन फाउंडेशन ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, अब तो ये जाकर पता चलेगा कि मेरे पेट पे कितना प्यार वो पड़ा है एक्चुअली। और मुझे याद है कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और दो बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने शायद पहचाना और कहा कि भाई हम आपका काम देखते हैं, तमाम चीज़ें इस तरह से। और अंत में जाके उन्होंने कहा मुझसे कि अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ। मैं सोच रहा था कि भैया बता रहे हो या डरा रहे हो। मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों कहते हैं लोग, क्योंकि इंडिया में पिछले 4 सालों में जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए वो आप ऑपोजिशन से सवाल पूछता है, और मेरे जैसे लोग जो अपना काम 20 सालों से वही कर रहे हैं, वही काम लगातार कर रहे हैं, कुछ बहुत अजूबी बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। उसको लोग कहते हैं कि साहब न जाने कौन सी बड़ी बात आपने कर दी। और मैं जानता हूं कि आज आप लोग जो यहां मौजूद हैं मुझे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट के तौर पे देखते हैं, मगर इस वक्त कतर की जमीन पे खड़े होके मेरा एक छोटा सा उसूल है। मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि जो हुक्मरान हैं, जो सत्ता पे बैठे ताकतवर लोग हैं, उनसे सवाल करने से मैं पीछे नहीं हटता हूं, उनकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटता हूं, मगर मुझे लगता है कि चूंकि मैं कतर में हूं, मैं अपने देश में नहीं हूं, विदेश में हूं, लिहाजा सियासत पर और सत्ता पे तल टिप्पणी करने से, कमेंट करने से आज मैं बचना चाहूंगा। और जैसे मैंने कहा ना कि मुझे बुलाने वालों को भी दिक्कतें होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मजहबीन फाउंडेशन वाले लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो। आज जो टॉपिक हालांकि जो मुझे दिया गया है वो है सोशल मीडिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल मीडिया और जिम्मेदारियां। ये अपने आप में एक निहायत ही सियासी टॉपिक है, क्योंकि पिछले 4 नहीं 5 या 6 सालों में सोशल मीडिया ने देश की सियासत को एक नई दिशा देने में बहुत अहम किरदार निभाया है। लिहाजा हमें इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अगर आप चर्चा करेंगे तो सियासत उससे जुदा हो पाएगी, मगर मेरी कोशिश रहेगी, मुश्किल चुनौती है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना दूर सियासत उससे रखूं। आज मैं अपने तजुर्बों से आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मगर उससे पहले अहमद फराज साहब के कुछ लफ्ज आपके सामने रखना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि अगर इन पंक्तियों को सही मायने में हम अपनी जिंदगी में ढाल लें, इसे अडॉप्ट कर लें, तो समाज में जो टकराव है, जो मनमुटाव है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये पंक्तियां सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं पूछने लगा हूं सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूं, मुझे मार दीजिए। खुशबू से मेरा रक्त है, जुगनू से मेरा कान, कितना भटक गया मुझे मार दीजिए। मालूम है कि मुझे बड़ा जुर्म है ये काम, मैं ख्वाब देखता हूं मुझे मार दीजिए। बेदीन हूं मगर है जमाने में जितने दीन, मैं सबको मानता हूं मुझे मार दीजिए। फिर उसके बाद शहर में बचेगा हू का शोर, मैं आखिरी सदा हूं मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ, जुल्म क्या जुल्म कर रहा हूं मैं, मुझे मार दीजिए। दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में घटना हुई होगी, आपको मालूम होगा, और उस घटना की जड़ में भी व्हाट्सएप के जरिए फैलाई गई अफवाह थी। एक अफवाह फैली
कुछ दीवाने सिद्धे युवक एक मंदिर तक पहुंचे, वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। वो मामला और वो क्यों हो सकता था, सबसे बड़ी गलती कि व्हाट्सएप पे एक अफवाह चल रही थी जिस पर उन युवकों ने विश्वास किया, उससे वो भड़के। और ये पहली घटना नहीं है, गोवा से कुछ कलाकार पहुंचे थे असम, उनके बारे में अफवाह फैला दी गई कि ये बच्चे चोरी करने आए हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ये लगातार हो रहा है और इसमें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाह जो है उसका अहम किरदार है। मगर आप जानते हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि दिल्ली में हुआ ये कि जैसे ही ये घटना सामने आई उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई, वहां के सांसद जो हैं वो मैदान में उतरे, और सबसे बड़ी बात अमन कमेटी नाम की एक वहां पे समिति है जिसमें दोनों एक मुसलमान एक हिंदू सामने आए और उन्होंने सबको संबोधित किया। वो अपने आप में काफी अहम साबित हुआ ताकि इलाके में तनाव न पड़े। मगर जानते हैं उन युवकों ने क्या गड़बड़ की? सवाल सिर्फ उस मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। आपने बहकावे में आकर, अफवाहों के बहकावे में आकर पूरी कौम को मुश्किल में डाल दिया, पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का सबब साबित हुआ। और मुझे बहुत खुशी है कि उन आधा दर्जन युवकों के बजाय उस इलाके के जितने भी मुसलमान थे सभी ने कड़े शब्दों में उसकी मजम्मत की, उसकी आलोचना की, एक शांति मार्च निकाला कि हम उस मंदिर को ठीक करेंगे। इससे बेहतरीन, इससे पॉजिटिव संदेश क्या हो सकता है? दोस्तों, दिक्कत क्या है कि देश में जैसे जैसे सियासत गर्म होती रहेगी अफवाहों का बाजार भी गर्म होगा, और ये जो अफवाहों का बाजार है ये जरिया होता है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। मगर क्या इस सोशल मीडिया को हम एक सकारात्मक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आज मैं अपनी कुछ आपको मिसालें देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लोग इसे किसी तरह से अपनी जिंदगी में डाल सकें। 2013 का मंजर था,